हाँ तो भैया, जमाना आजकल घर को साफ और स्वच्छ रखने के साथ साथ सुंदर रखने का भी है। खातेगांव में एक दुकान है, गणेश मंदिर चौक जूना गल्ला मंडी पर। नाम है सजावट होम डेकोर। पर्दे, कारपेट, गद्दे, बेडशीट, तकिए, खोल, वॉलपेपर और घर को सजाने संवारने के सारे आइटम आपको यहाँ एक ही छत के नीचे मिल जाएंगे। आपके साइड वाली भाभी जी कल ही यहाँ से बहुत सारा सामान लेकर गई हैं, तो भैया आप किसका इंतजार कर रहे हो? आज जो ज्ञापन है वो दो विषयों को लेकर दिया गया। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया गया, जो हाल ही में 3 कृषि अध्यादेश लाए गए हैं जो नितांत किसान विरोधी है, जिसमें मंडियों को खत्म करने और MSP को खत्म करने का कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है, उसके विरोध में दिया गया है। और दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम दिया गया है, जो अभी हाल ही में राज्यपाल के द्वारा कोरोना संकट के दौरान जो बजट पेश किया गया है, जबकि अर्थव्यवस्था और GDP को अभी चलाने का काम कोई कर रहा है तो वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसान कर रहा है, लेकिन सरकार ने कृषि बजट में 70% की कटौती कर दी है। मध्य प्रदेश में लगभग 60% जनता कृषि और गांव पर निर्भर है, जो उसको मात्र 5% बजट दिया जा रहा है 60% जनता को, जबकि जो बाकी जो बची है 40% उसके लिए 95% बजट दिया जा रहा है। 2019 का जो बजट था वो 46,000 करोड़ था, जिसको सरकार ने इस बार घटा के मात्र 10,000 करोड़ कर दिया है। ऐसे में हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जो कर्ज माफी की व्यवस्था की गई थी, जो कर्ज माफी की जो प्रक्रिया चल रही, उसको कैसे आप पूरा करेंगे 10,000 करोड़ में? आप भावांतर का पैसा कैसे देंगे, गेहूं का बोनस कैसे देंगे, बीमे की राशि इसमें कैसे डालेंगे, मात्र 10,000 करोड़ का बजट आपने जब दिया गया है। तो इन दोनों विषयों को लेकर किसानों के अंदर भारी रोष है, इसलिए आज SDM कार्यालय में हमने चेतावनी ज्ञापन दिया है। यदि आने वाले समय में सरकार इस पर कार्यवाही नहीं करती है तो किसान सड़क पर आने को मजबूर होगा।